थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस, मैं जिंदा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आखिरकार तरुण गिल सर के प्रेजेंट टाइम के अपडेट आ चुके हैं, जो कि दोस्तों उन्होंने अपने आज बर्थडे वाले दिन शेयर किए हैं हम सभी के साथ। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तरुण गिल सर को उनके बर्थडे की ढेर सारी विशेष देना चाहूंगा, और आप सभी भी जल्दी से उनको कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विश कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तरुण गिल ने अपने कमबैक को लेकर क्या कहा। थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस, मैं जिंदा हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, विच इज़ बॉडी बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपके इतने मैसेजेस DMs कि भाई आप कहाँ हो, और ज़्यादातर मेरे ऊपर तो वीडियोस भी बन गए, RIP रेस्ट इन पीस, ये वो। गाइस, आपको बता रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल सही हूँ, और आपके सामने आपको शायद तंदुरुस्त भी नज़र आ रहा होगा। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने सुना कि सेरू क्लासिक के बाद में जो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि तरुण गिल कहाँ चले गए, क्या तरुण गिल जिंदा है या नहीं, इसको लेकर तरुण गिल ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और फ्रेंड्स, तरुण गिल अपनी इस वाली पोस्ट के कैप्शन में लिखते हैं कि मेरे को कोई भी चीज बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकती है। यानी कि गाइस, यहाँ पर सीधे सीधे तरुण गिल ने ये बोल दिया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनको बॉडी बिल्डिंग से दूर रख सकती है। और गाइस, अगर हम इन सभी बातों के अलावा एक और चीज पर नोटिस करें, वो है तरुण गिल की करंट फिजिक। तो आप सभी देख सकते हैं कि करंट टाइम की फिजिक वो काफी जबरदस्त है तरुण गिल की। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि तरुण गिल ने अपना अपडेट तो दे दिया है कि वो प्रेजेंट टाइम में ठीक है, लेकिन गाइस, जब वो अपनी इस वाली पोस्ट में लिखते हैं कि वो ऑलमोस्ट डेड के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसकी जो मेन वजह है जिसके कारण तरुण गिल सर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसका कोई भी अपडेट तरुण गिल ने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किया, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है अभी भी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण तरुण गिल को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है यतेंद्र सिंह की तरफ से। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यतेंद्र सिंह भी कम्पीट करने वाले मिस्टर एशिया 2022 में, जिसका कि मेन कंपटीशन 21 जुलाई को होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यतेंद्र सिंह ने ये वाला वीडियो लेटेस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें कि आप सभी उनकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन देख सकते हैं कि कैसी लग रही है। लेकिन गाइस, फिर भी शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो फिजिक अपडेट है वो यतेंद्र सिंह का थोड़ा सा पुराना अपडेट है। बट फिर भी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वाले अपडेट में भी उनका जो फिजिक अपडेट है वो काफी जबरदस्त लग रहा है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के बारे में जान लेते हैं, जो कि हैं जीजो जोन्स। और गाइस, आप सभी इनकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशनिंग देख सकते हैं कि ये काफी जबरदस्त लग रहे हैं। अगर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम इनके कंपटीशन के बारे में बात करें, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इनकी तरफ से कुछ ऐसे अपडेट्स आए कि ये आउट ऑफ इंडिया जाकर कम्पीट कर सकते हैं, और वो कॉम्पिटिशन कौन सा होने वाला है उसको लेकर जैसे ही कोई भी अपडेट्स आता है, हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करें।